वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, स्वतंत्र भारत के लोग, गणतंत्र भारत के लोग, स्वर्णिम भारत के लोग, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, एक ऐसा देश जो अपनी सांस्कृतिक, सामाजिक, भौगोलिक और भाषाई आधार पर विश्व में सबसे अनोखा और सबसे संजीदा है। विविध संस्कृतियों, अनेक धर्मों से सुसज्जित राष्ट्र। उत्तर में विशाल बर्फीला हिमालय, दक्षिण में तीनों ओर से पैर धोते सागर, पश्चिम में रेतीला मरुस्थल, तो पूरब में विश्व का सबसे ज्यादा वर्षानुपात क्षेत्र। कहीं नमक के रेगिस्तान तो कहीं बादल छूते पर्वत, बीच में सैकड़ों नदियां, झील, पहाड़, पठार से मंडित अद्वितीय भौगोलिक स्थिति। हर 100 कोस पर बदलती भाषा, वेशभूषा, खानपान, रहन सहन और रीति रिवाज। इतनी सारी विविधता होने के बाद भी 130 करोड़ भारतीय एक साथ देश के विकास का रथ साथ मिलकर धकाते हैं और विविधता में एकता के वाक्य को चरितार्थ करते हैं। और हम सभी को एक नभ, एक गगन के नीचे समान रूप से एक साथ सिर्फ 2 चीज़ें लाती हैं। पहला, भारतीय होने का गौरवशाली भाव, और दूसरा, हमारा सम्मानीय संविधान। सम और विधान शब्द की संधि से मिलकर बना सभी के लिए एक विधान, संविधान। भारतीय संविधान हमारे राष्ट्रीय जीवन की आत्मा है। सैकड़ों वर्षों की संघर्षपूर्ण यात्रा से उपजा यह राष्ट्रीय दस्तावेज, जो हमारे अतीत की जड़ता से कोसों दूर है और भविष्य की उज्जली उम्मीद की राह पर अटल है। संविधान हर धर्म, हर पंथ, हर जाति, हर संप्रदाय, हर संस्कृति, हर भाषा को समान अधिकार देने वाला भारतीय नागरिकों का पवित्र ग्रंथ है। राष्ट्र की अखंडता और हर भारतीय के सम्मान का दस्तावेज, हर भारतवासी को गरिमा से जीने की आज़ादी देने वाला संविधान। समता, समानता, सद्भाव, सद्गुण, समरसता, सभ्यता, सौहार्द का पाठ पढ़ाने वाला अद्भुत, अद्वितीय, अतुल्यनीय संविधान। 26 जनवरी 1950, यह भारतीय लोकतंत्र का सबसे स्वर्णिम दिवस है। डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में कई वरिष्ठ विद्वान सदस्यों की समिति ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन के अथक परिश्रम और दूरदर्शी सोच के साथ हमारे संविधान का निर्माण किया। भारत के 73वें गणतंत्र दिवस की सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारतीय गण, भारतीय तंत्र और भारतीय गणतंत्र सदैव तिरंगे के साथ चमकता रहे, लहराता रहे, जगमगाता रहे। जय हिंद।